ऑल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW का अमेरिकन चैंपियनशिप मैच शुरू होने वाला है। और गाइस यहां पर पॉसिबली आज AEW के ऑल इन के ऊपर ये मैच यहां पर AEW के ऑल इन का बेस्ट मैच होगा, क्योंकि इस मैच के अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर विल ऑस्प्रे होंगे, तो वहीं AEW के बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार MJF होने वाले गए। और बात करें MJF और विल ऑस्प्रे के इस मैच के बिल्डअप की, तो गाइस डेफिनेटली यहां पर इस मैच के काफी जड़िया तरीके से बिल्डअप दी गई है। और जिस तरीके से लास्ट टाइम MJF ने लाइव टीवी के ऊपर विल ऑस्प्रे को हराकर इंटरनेशनल टाइटल को जीता, और विल ऑस्प्रे को हराकर टाइटल को जीतने के बाद MJF ने टाइटल के नेम को बदलकर AEW का अमेरिकन टाइटल कर दिया, उसके बाद आज यहां पर यूके के अंदर डेफिनेटली यहां पर जब MJF Wembley स्टेडियम में वॉक इन करेंगे तो क्राउड यहां पर MJF को लाउड बू करने वाले गए, और AEW के होम ग्रोन सुपरस्टार विल ऑस्प्रे को Wembley स्टेडियम में लाउड चीयर मिलेगा। वेल, बात करें इन दोनों के इस मैच के विनर की, तो गाइस यहां पर लास्ट टाइम क्योंकि MJF ने ऑस्प्रे को बीट किया था, तो इस बार ऑस्प्रे के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि विल ऑस्प्रे आज यहां पर उनकी होम कंट्री के अंदर टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। बट अगर यहां पर लास्ट टाइम की तरह इस बार भी MJF डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करते गए, तो MJF के एक बार फिर से टाइटल को रिटेन करने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। वेल, क्योंकि ऑल इन यूके में हो रहा है, तो फिलहाल मुझे इस चीज के ज्यादा चांसेस लगते गए कि ऑस्प्रे यहां पर MJF को हराकर AEW के अमेरिकन टाइटल को जीतने वाले हैं।